शर्जील भाई, लेकिन कुछ अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आज जो है का सेशन जो है जो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, हमने रखा है स्टेट सिक्योरिटीज और पीएसएमयू वालों ये जॉइंट कोलाबोरेशन से। उसमें हम बेसिकली आज जो है आने वाले दिनों में मार्केट पे कुछ खबरों का इम्पैक्ट और दो तीन चीजें जो मार्केट में गर्दिश कर रही है पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक साइड पर, उसको हम फर्दर फर्दर डिस्कस करेंगे। शर्जील आप लीड ले लें और आई थिंक जो भी सवाल आते हैं वो करते जाएं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, बेसिकली रिजवान भाई, जो लास्ट वीक में डेवलपमेंट्स हुई है कुछ रिगार्डिंग यू नो इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल, स्टेट बैंक की तरफ से डेवलपमेंट हुई है, और खास तौर पे यू नो जो इलेक्शंस वाली एक डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शंस आपको जो है वो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी के एंड में जो है होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उसका आने वाले दिनों में मार्केट पे क्या इम्पैक्ट नजर आ सकता है? एज सच अभी तो हमने कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा पॉजिटिव, ऑल्दो मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत ऑन द हायर साइड बंद हुई थी थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बिहाफ पे मार्केट में जो है वो आने वाले दिनों में भी तेजी नजर आ सकती है? तो शर्जील, हमें ही लगता है कि मार्केट के अंदर जो है पॉलिटिक्स वाली चीज जो है सब जो है लोगों के पास, लोगों का ज्यादा फोकस नहीं है। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली इंपैक्ट करती है, क्योंकि जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री में तो वो एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स का उस मार्केट पर कॉन्फिडेंस करने का या उस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो लोग बेसिकली ये बहुत सारे बैरोमीटर देखते हैं, जैसे कि उस कंपनी, उस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस कंट्री की पॉलिसीज, उस कंट्री की करेंसी, उस कंट्री के डेमोग्राफिक, उस कंट्री की रिसोर्स अवेलेबिलिटी, बहुत सारे मैटर्स होते हैं। उसमें से एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी होता है, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 साल से हमारे पास नहीं है। ऑब्वियसली इसको, इस खबर का आना कि इलेक्शन जो है जनवरी के महीने में हो रही है, लोगों ने इसको जिस दिन अनाउंसमेंट आई थी उसको सेलिब्रेट भी किया और मार्केट थोड़ा सा उस पर रिएक्ट भी करके गई, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट ये आई थी उसके फौरन बाद मार्केट में हमने वॉल्यूम्स में अच्छा पिकअप देखा था और मार्केट भी अच्छे क्लोज हुई थी। और लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारे साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें 1 साल सवा साल के साथ में एक इकोनॉमिक बैड पैच से भी गुजर रहे, जिसमें जो है हमारे पास जो है कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही और हमारे पास जो फिस्कल साइड है वो काफी ज्यादा ब्लीडिंग कर रही है। हमारे पास रिजर्व ऑल टाइम लो पर है, हमारे इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पर है और हमारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी कोई तकरीबन जो है सबसे लोएस्ट साइड पर है। तो इस सूरत हाल में लोग ज्यादातर ये इन्वेस्टर्स को जो उम्मीद हो सकती है वो हो सकती है इकोनॉमिक साइड पे कोई पॉजिटिव या कोई ऐसी डेवलपमेंट, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा तवक्कुआत इस वक्त जो केयरटेकर का सेटअप है उससे, और आई थिंक जो स्टैब्लिशमेंट ने एसआईएफसी के थ्रू और वैसे भी कुछ चीजों में अपना रोल ज्यादा प्ले करना शुरू किया है, तो लोगों को इन दोनों से बहुत तवक्कुआत है कि ये कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी दोबारा ऑन ट्रैक आ जाएगी। तो इसको देखते हुए आई थिंक हम अगले वीक जो आई थिंक 1 वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा आईएमएफ का रिव्यू भी ड्यू है, तो वो रिव्यू जो है आईएमएफ का जो रिव्यू ड्यू है उसके अंदर जो है उम्मीद यही है कि जो है हमें ट्रांच मिलने से पहले कुछ हमारे टारगेट्स होते हैं, उसमें से एक आई थिंक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस से एक उन्होंने हमसे कहा था कि क्योंकि हमारे पास जो है इंडिजियस गैस जो हमारे पाकिस्तान की जरूरत है उससे कम है और वो हर साल 5% रिपीट हो रही है, तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम कुछ ऐसा खास तौर पर सर्दियों में अपनी इंडस्ट्रीज को और दूसरे सेक्टर्स को देने के लिए गैस इम्पोर्ट करते हैं आरएलएनजी। तो उस आरएलएनजी को जब हम महंगी इम्पोर्ट करके अपने सिस्टम में दे रहे हैं तो उसकी वजह से गैस का भी सर्कुलेट खराब है। तो हमारे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो है ये चीज जो है अगले हफ्ते में हो जाए, और जो जो बातें हैं वो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि 45% गैस हाई जो है वो हो जाएगी, और जिसका इम्पैक्ट हम इनशाला आने वाले दिनों में पीपीएल, ओजीडीसी और सुई नॉर्थ जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, और सुई पीएसओ क्योंकि आरएलएनजी मंगवाता है और जब उसको टाइमली पेमेंट नहीं होती तो उसको भी अच्छा खासा इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से होगा ये कि अगर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस इंप्लीमेंट हो जाती है तो आरएनजी की प्राइस उसको वही मिलेगी जिस प्राइस पे वो आरएनजी इम्पोर्ट कर रहा होगा। तो आई थिंक ये सारा, और आई थिंक वो जो गवर्नमेंट की भी एक जो कंपनीज होती है पाकिस्तान एलएनजी के नाम से कंपनी है जो इम्पोर्ट कर रही होती है पीएसओ के साथ मिलकर, तो आई थिंक वो भी काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी इससे। हाउएवर हमने देखा ये कि माजी में जब ये केटे गवर्नमेंट आई थी लोगों को तवक्कुआत थी एक बहुत बड़े इवेंट की, जो ना आने के बाद हमने ओजीडीसी और पीपल में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा, और एक आध रोल ओवर में हमने देखा कि काफी ज्यादा सेलिंग भी आई, काफी ज्यादा सेलिंग भी आई, इसकी वजह से जो है ये स्टॉक्स काफी ज्यादा डिप्रेस हुए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेटर हुआ। अब हमें ऐसा लगता है कि कुछ, और हम एक थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट करेंगे अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि ये फंडामेंटल चीज को ही जो है
शर्जील जो है अपने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो उससे ये होगा कि अगर हम अपने चार्ट से और अपनी फंडामेंटल से दोनों को सिंक करके आपके लिए एक बेहतर चीज प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, इससे जो है आपको यकीनन हमारी बात पे, हमारी चीजों पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। अच्छा बेसिकली जैसे कि रिजवान भाई ने बताया कि जो नेक्स्ट वीक जो डेवलपमेंट है खासकर गैस प्राइस हाइक के हवाले से, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो SNGP, OGDC और PPL में जो है वो इंडिया में आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम देखें तो गैस सेक्टर में SSGC भी एक है जिसमें इम्पैक्ट नजर आ सकता है, उन्होंने फिर PSO को भी रेफरेंस दिया। तो अगर इसको हम चार्ट्स पे देखें बेसिकली, तो ये बिल्कुल जो फंडामेंटली जैसे रिजवान भाई बोल रहे हैं, चार्ट्स पे भी हमें कुछ इस तरीके की एक्टिविटी है, इस तरह की एक्यूमुलेशन नजर आ रही है, जिसका हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इन केस आने वाले दिनों में ब्रेकआउट होता है तो वहां से फिर हमें एक रैली नजर आ सकती है इन तीनों चारों शेयर्स के अंदर। SNGP की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो SNGP की भी गैस सेक्टर का शेयर है, तो उसमें जो है वो, उसको अगर आप देखें तो पिछले कुछ टाइम से वो 46.7 प्रिसाइजली एक ऐसा लेवल है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे जाता है फिर वहां से वापस से रिकवरी आती है उसके अंदर, लेकिन 46.7 को ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली टाइम फ्रेम बेसिकली वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो 46.7 के ऊपर ब्रेकआउट दे जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग SNGP में, वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स 48-49 लेवल्स। इनिशियली ये इन लेवल्स को जो है वो जाके टेस्ट कर सकता है। 48-49 ओब्वियसली उसका हाई है प्रीवियस, अगर वो उसको ओवरटेक करता है तो फिर फर्दर अपसाइड जो है वो हम देख सकते हैं, वरना अभी फिलहाल 48-49 के नीचे फिर ये जाके वहां पे जाके फिर ये रजिस्ट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ENPs को देखें जो दूसरे बेनिफिशरीज हैं इसके, तो ENPs के अंदर जो है वो जो पर्सनली बेस्ड ऑन चार्ट्स जो मेरी टॉप पिक है वो OGDC है। OGDC इसलिए है बेसिकली क्योंकि OGDC हैज बीन कंसोलिडेटिंग विद इन दिस रेंज, लाइक 93 से 97, 96, 97 की रेंज के दरमियान कंसोलिडेट कर रहा है पिछले तकरीबन आप कह लें कि 3-4 हफ्तों से। तो 93 के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और 97 के ऊपर अगर ऑन एनी गिवन डे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करे आती है तो फिर वहां से वी कैन सी एन अपसाइड इन इट टुवर्ड्स 101 to 102 लेवल्स इनिशियली, ये इसका हमारा इनिशियल टारगेट होगा। PPL की अगर हम बात करें तो PPL कंपैरेटिवली PPL के अंदर एक मूव बन गया है 66 से लेके 74 तक का, तो अब PPL का 74.5 पे ब्रेकआउट है, अगर 74.5 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वी कैन सी इन इट अ मूव टुवर्ड्स 78-79 लेवल्स इनिशियली। तो ये तीन फिलहाल टॉपिक्स हैं जिसमें से OGDC मुझे लग रहा है कि इसके अंदर काफी जगह है और काफी बेहतर मूव हमें ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके अलावा अगर हम PSO की बात करें तो PSO के लिए हमेशा से हमने ये देखा है कि 122.5 वन से लेके 124 के दरमियान इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है, वहां पे जब ये जाता है तो वहां पे थोड़ी सप्लाई आती है, तो अगर इन केस 124 के ऊपर क्लोज करता है ये आने वाले दिनों में तो फिर वहां से वी कैन सी अ फर्दर अपसाइड इन इट टुवर्ड्स 128-129 लेवल्स इनिशियली एंड देन टुवर्ड्स 132 एंड 133 के लेवल्स। तो खैर ये चारों चार्ट्स में पॉजिटिव है, लेकिन मेनली SNGP, OGDC, PPL अगले आने वाले हफ्ते में अगर ये गैस प्राइस हाइक होता है तो ये मेनली जो है वो लैंडलाइट में नजर आ सकते हैं, जिसमें से पर्सनली बेस्ड ऑन चार्ट्स ओनली OGDC लुक्स, OGDC में ज्यादा जगह नजर आती है, ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। Excuse me, can I ask a question, please? रिजवान भी जी क्वेश्चंस ले लें जो क्वेश्चंस आए हैं। जी प्लीज प्लीज। अच्छा रिजवान भी, मैंने एक वीडियो शेयर भी की थी और उसमें देखा, उसपे जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर है, ही सेइंग दैट जो SN सुई नॉर्दर्न है उसमें तो हमें इतना इश्यू नहीं है, तो हम इसकी प्राइसेस जो है नहीं बढ़ाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ दैट हमें सुई सदरन में ज्यादा प्रॉब्लम है। वी वुड मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ सुई सदरन इन साउथ, जो है ना वो प्राइस हाइक देंगे 45% जो है ना। आई थिंक माइट बी, मैंने शेयर की थी, आप तो जाहिर है वो उधर नहीं थे, तो शुजील से, समीर भाई वगैरह से, इनसे मैंने शेयर की थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपने वो अगर कोई सुना हो उनका जो उन्होंने वो दिया है बयान, प्लीज। अच्छा इसमें नैयर साहब, इसमें थोड़ी सी आई थिंक मेरे हिसाब से जो एनर्जी मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब है, इनका बैकग्राउंड फाइनेंस का है और काफ़ी समझदार आदमी है। आई एम श्योर आप थोड़ा उसको जाके दोबारा देखिएगा, मैंने वीडियो नहीं देखी है, बट मेरा उनकी पर्सनैलिटी को या जितना मैं उनको जानता हूँ उससे मुझे लगता ही है कि थोड़ा सा ना आपको आइडिया नहीं हो सका, ये पाकिस्तान में गैस का मैकेनिज्म इस तरह काम नहीं करता। पाकिस्तान में बेसिकली जब कोई कंपनी को डिस्कवरी करती, चाहे वो पाकिस्तान PPL हो, चाहे वो OGDC हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो, चाहे वो यूनाइटेड एनर्जी हो, चाहे वो ENI हो, सो ऑन सो ऑन,
अगर या मॉल पाकिस्तान हो, तो अगर कोई भी कंपनी करती है तो वो एक पॉलिसी के तहत डिस्कवरी होती है, 2012 की पॉलिसी, 2014 की पॉलिसी। तो उस फील्ड उसमें होता यह है कि जब कोई आपको लाइसेंस होने के बाद उस फील्ड के अंदर आप अपनी एक्सप्लोरेशन करते हैं और वहां कोई सक्सेस होता है, तो वो जिस पॉलिसी में फॉल करते हैं उस पॉलिसी में एक प्राइस का कैप लगा होता है कि जी लेट सपोज आपको जो है इस फील्ड के ऊपर जाकर गैस निकलती है तो $7 या $8 मिलेंगे या $9 मिलेंगे, मैक्सिमम साइड पे शायद ऐसी है। और जो है आपको अगर पुरानी पॉलिसी में है तो आपको जो है $3 मिलेंगे, $6 मिलेंगे। हमारे यहाँ बेसिकली जो स्विंग नॉर्थ और स्विंग साउथ होते हैं ना, उनका काम प्राइस से होता नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान क्या होता है वो यूएफजी, मैं आपको उसमें उसी के बाद में बताता हूँ। उनका काम क्या होता है कि वो बेसिकली जो कमाते हैं वो कमाते हैं अपने कैपेक्स के ऊपर। ये मैं बहुत पहले आई थिंक पिछले प्रोग्राम में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो स्विंग नॉर्थ और स्विंग साउथ जो है अपने कैपेक्स के ऊपर कमाते हैं। कैपेक्स में ये होता है कि स्विंग नॉर्थ जो है अगर उसके 117 अरब रुपए के पाइपलाइन बिछी हुई है, इसका एसेट 117 अरब रुपए है, तो उसमें जो है जिसको अलाउबल डेट होता है वो माइनस होता है और उसको फिर 17.5% उस 100 अरब रुपए में मिल जाता है। फिर उसमें से जो है उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो अलाउबल नहीं होती वो माइनस होती है। फिर उसकी जो है क्या कहते हैं 17.5% आपका निकालेगा। फिर जो यूएफजी होता है, यूएफजी अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ने कहा कि जी 5% जो है लैंडलाइन लॉसेस इज अलाउएबल, तो 5% तक उससे कोई पूछगिछ नहीं होगी। आई थिंक एक स्टडी हुई है जिसमें 4.5-5% दुनिया के स्टैंडर्ड बेंचमार्क है जो अलाउएबल होता है। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो आपके प्रॉफिट से कटेगा, तो उससे में फिर आपका प्रॉफिट नीचे आता जाएगा। तो स्विंग नॉर्थ और स्विंग साउथ के अंदर जो है एक थोड़ा सा, अच्छा ये एक अलग एंगल है, इसको बाद में करते हैं। अब आपका सवाल था स्विंग साउथ और स्विंग नॉर्थ में से अलग अलग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होता नहीं है। ओग्रा दोनों की प्राइस अलग अलग डिटरमाइन करता है, बट दोनों को मसला है। ऐसे स्विंग नॉर्थ को कम मसला इसलिए क्योंकि स्विंग नॉर्थ में जो है पंजाब बहुत हद तक रिकवरी है, आई थिंक 100% या 98% रिकवरी है, जबकि कुछ मसला उनको केपीके में आता है जिसमें वो करक वाली रेंजेस जो है या फिर जो है आपका बनू वाली साइड्स है उनमें उनको रिकवरी मसला है। और सेम गोज विद आई थिंक डॉक्टर इशरत, डॉक्टर शमशाद अख्तर जो एसएसडीसी की बोर्ड पर है, उन्होंने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में कहा था कि हमें सिंध में काफी हद तक चोरी पे काबू पा लिया, बट हमें बलोचिस्तान में बहुत चैलेंजेस है, वहाँ 58% तक हमारी रिकवरी ड्रॉप हो चुकी है और हमारे यहाँ चोरियां बढ़ रही है वहाँ। तो यस वहां पर आप अब दोनों का सम करेंगे तो एसएसडीसी में मसला आता है, बट उसमें अलग अलग प्राइजेस नहीं बढ़ेंगी क्योंकि जब क्योंकि स्विंग साउथ और स्विंग नॉर्थ क्या करते हैं कि जो प्राइस डिफरेंशियल होता है, लेट सपोज आपको जो है मुझे घर में गैस और आपको घर में गैस आई $2 की, विच इज लाइक 500 रुपए पर एमएम बीती हो या 300 रुपए पर एमएम बीती हो, और हमने जो है वो गैस गवर्नमेंट ने खरीदी $6 की पीपीएल से, ओजी से, या $60 की, तो जो प्राइस डिफरेंशियल है वो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको पे कर देंगे। जब गवर्नमेंट उनको नहीं पे करती स्विंग साउथ स्विंग नॉर्थ को, ऑल्दो जो कि दोनों गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो आगे जिससे गैस खरीद ली जिसमें पीपीएल और ओजीडीसी है वो उनको पूरे पैसे नहीं देते, वो पैसे देते हैं जितने उनसे रिकवर हुए $2 के हिसाब से, बाकी जो डिफरेंशियल है वो उसको होल्ड करके उनके पास सर्कुलेट खड़ा होता है। सर्कुलेट है यही कि उस गैस का सर्कुलेट है यही कि उसमें फिर वो प्राइस डिफरेंशियल की वजह से पैसे गवर्नमेंट से नहीं मिलते और उसकी वजह से आगे वो पैसे पीपीएलओजी को नहीं मिलते, तो उनकी बुक्स में जो है कैश फ्लो का मसला आता है। तो अगर आप जितनी भी प्राइस बढ़ा देंगे उससे उनको नुकसान सिर्फ ये होगा कि एब्सोल्यूट नंबर यूएफजी का है ना, अब यूएफजी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएफजी जो है अगर फर्ज करें उसने 100 रुपए की गैस बेची तो अगर उस पर 2% नुकसान हुआ तो 2 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि यही नुकसान अगर 50 रुपए की गैस बेची, जब एब्सोल्यूट नंबर छोटा होगा तो 2% 1 रुपए बनेगा, तो एब्सोल्यूट नंबर छोटा होने से नुकसान कम रिफ्लेक्ट होगा अर्निंग पर। तो इनको नुकसान गैस प्राइस बढ़ने से अगर ये यूएफजी पे काबू नहीं पाते तो इनको नुकसान होता है, बट ऑन द अदर हैंड इनके इनके भी जो थोड़े बहुत कैश फ्लो फंसते हैं वो सीधे हो जाते हैं। और फिर ये जो कंपनी है ना, इनका काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये कमाती है सिर्फ कैपेस करने, जितना ये अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, जितना गवर्नमेंट इनसे रिक्वेस्ट करेगी कि अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करें और जितना बढ़ाते चले जाएंगे इसमें इनकी रेवेन्यू ज्यादा बेहतर होंगे। इनको गैस प्राइस बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि इनका यूएफजी डिस्टर्ब होता है और दूसरा इनका एब्सोल्यूट यूएफजी डिस्टर्ब होता है, दूसरा इनका बेसिकली थोड़ा बहुत कैश फ्लो फंसता है या बस या चोरी वाला एलिमेंट होता है, गैस बहुत महंगी हो गई, चोरी बहुत बढ़ गई, यूएफजी बढ़ गई तो उनको नुकसान होता है। ये है स्विंग साउथ की या स्विंग नॉर्थ की स्टोरी, और आई थिंक आपका सवाल इसमें कवर हो गया है। Thank you very much for the detailed analysis. I'm really grateful to you, and you are
आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर हाईली प्रोफेशनल माशाल्लाह स्टे ब्लास्ट थैंक यू वेरी मच. जी नहीं भाई, मेरा तो क्वेश्चन आपने एंड कर मैं क्वेश्चन कर लूं. हेलो जी. सही है तैयब साहब, प्लीज. जी जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है सर. रिजवान भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि ये सीपीआई और एसपीआई में क्या डिफरेंस होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं की, और साथ ही अभी रिसेंटली गवर्नर स्टेट बैंक का बयान आया कि उसको और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एकदम से अभी रिसेंटली आज या कल में जो डाटा आया एसबीआई का वो अगेन से 38% पे चला गया. वो पहले आपको तो पता होगा 27% के समवेयर था राउंड अबाउट. जी तो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये कैसे क्या आगे नहीं बढ़ाएंगे अगर अगेन से एसबीआई इतना मतलब मेजर उसमें इंक्रीमेंट आया, तो ये क्या आगे जाके इनके लिए पॉसिबल होगा मेंटेन रखना इसको इंटरेस्ट रेट को? बस ये सवाल है आपका. जी. अच्छा, मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सवाल मैं कवर कर जाऊं, कोशिश करें वो दोबारा रिपीट ना हो. अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका. लेकिन होता क्या है कि जो एसपीआई और सीपीआई का नंबर होता है, सीपीआई आती है आपकी बेसिकली वीकली बेसिस पे, उसी डेटा को 15 से 15 तक उठाता है. ये पूरे महीने का नहीं होता, 15 से स्टार्ट होता महीना और 15 तक लेके चलते हैं. उसमें ये सर्टेन ग्रुप्स के को लेते हैं, और एसपीआई जब हायर होगा तो सीपीआई भी जो ना हायर होगा. ठीक है, तो दोनों ही एसपीआई से ही फॉर्म होती है एससीपीआई. इसमें थोड़ी सी शायद कोई एक कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है इसकी फॉर्मुलेशन में, बट ये मैं श्योर हूँ कि एसपीआई ही का नंबर ड्राइव करता है सीपीआई के इन्फ्लेशन को. आपका सवाल था कि स्टेट बैंक गवर्नर ने जो है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा, और फिर आगे चल के भी कहा कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे. आप उसकी मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जाके पढ़िएगा, उसमें उससे लिखा हुआ है कि अब तक की ऑयल प्राइसेस, जो हायर ऑयल प्राइसेस है 92-93 क्रूड ऑयल, वो देखते हुए और आगे की इन्फ्लेशन को फोर्सी करते हुए और डॉलर की इन्फ्लोस को देखते हुए और डॉलर की प्राइस को नीचे, यानी कि डॉलर रुपी पैरिटी को बेहतर होते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तकरीबन जो है आपकी 60 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट है, और 26 बिलियन तक की जो है ना एक्सपोर्ट है, 23-26 बिलियन की एक्सपोर्ट है. आई थिंक सिर्फ कुछ सबसे जो हाईएस्ट जो नंबर मैंने अपना देखा था रिसेंटली, वो आई थिंक ये रिजीम चेंज से पहले या जो इमरान खान के जाने से पहले, वो जो आई थिंक आई गेस 3 बिलियन के रेमिटेंसेस थी और 3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो गई थी. उसके बाद से नंबर ड्रॉप हो रहा है. आई थिंक 2 बिलियन डॉलर की हमारी 2.2 की हमारी रेमिटेंसेस हो गई है, और 2.2 के अराउंड या 2.3 बिलियन के डॉलर के अराउंड जो है हमारी एक्सपोर्ट है. ऑल्दो जब डीवैल होती है तो एकदम से चीजें नहीं बढ़ती, बट उसका स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्पैक्ट आता है. तो हमारी एक्सपोर्ट अभी यहाँ पर खड़ी हुई है. तो अब अगर जो है हमारा करेंसी, हमारी करेंसी जब आप देखें हमारे पास, अगर अज्यूम कर लेते हैं 25 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है और 25 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज है, विच सम अराउंड 50 बिलियन डॉलर, बट हमारे पास 60 से 65 बिलियन डॉलर की जो है इम्पोर्ट है. तो अगर इतनी बड़ी इम्पोर्ट है जिसमें 15 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट खड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारा रुपया नीचे आएगा तो उससे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि हमारा ज्यादातर इम्पोर्ट ड्रिवन चीजें हैं. अगर हम तमाम अजनास, तमाम वीट्स, तमाम ग्रेन्स, तमाम ऑयल, तमाम गाड़ियाँ, गाड़ियों के पुर्जाजात, तमाम टेक्सटाइल मशीनरी सब इम्पोर्ट करेंगे और सब की सब डॉलर लिंक है, और डॉलर ऊपर जाने से वो महंगी होंगे, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा. बट अगर डॉलर उसी तरह से नीचे आता रहा ऐसा आ रहा है बेस्ड ऑन इनफ्लोज और बेस्ड ऑन सर्टेन वेजेस, तो आई एम श्योर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी नीचे जाएगा. और अभी तक का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो उन्होंने अपने नंबर्स में फोरकास्ट किया हुआ है, तो हो सकता है फौरन ना बढ़ाना पड़े. हाउएवर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एक्सटर्नल शॉक्स को. कोई ऑयल प्राइस बहुत एबनॉर्मल बढ़ जाता है, कोई और चीज ऐसी हो जाती है जो उनके बियॉन्ड कंट्रोल होगी, तो फिर वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं. बट अभी तक के लिए ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल होती हुई दिखती है. दूसरी और चीज, अगर इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ता भी है तो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, ये नंबर जो है, क्योंकि पिछले साल जब शुरू हुआ था तो उसमें बेस इफेक्ट काफी ज्यादा था, तो बेस इफेक्ट की वजह से इस महंगाई के बावजूद भी वो नंबर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा. तो मुझे लगता है शायद आपका बहुत तो बहुत ये हो सकता है कि जो नंबर आप मार्च, फरवरी, फरवरी और मार्च में जाके ड्रॉप होता हुआ देख रहे हो, तो थोड़ा और लैग से ड्रॉप हो जाए. मतलब पूरा जून का महीना तक आपका इन्फ्लेशन का नंबर 24-25% एवरेज रहे,
बट ये नहीं हो सकता कि जो आज नंबर है वो बेस इफेक्ट की वजह से अगले साल भी इसी बेस इफेक्ट इसी लेवल पर है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि इतनी ही कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए आपको, यानी कि महंगाई इतनी ही परसेंट से और बढ़े तो फिर आपका नंबर शायद ये होगा। बट अगर ये नंबर सेम रहता है तो ऑब्वियसली हायर डिनोमिनेटर की वजह से ये नंबर कम आएगा। तो दिस इज जस्ट अ मैथ्स, और आई थिंक आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। जी जी सही है। इसी में सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक और क्वेश्चन, कि एसपीआई जो है वो एकदम 27 से 38% आई थिंक ये लेटेस्ट डेटा मैंने देखा है कल टॉप लाइन वालों के पेज पे, तो वो 10% बढ़ गया। हालांकि $230 से ओपन मार्केट में बहुत नीचे आया, इंटर बैंक में भी नीचे आया, लेकिन एसपीआई का 10% बढ़ जाना ये कोई मतलब ये नहीं करता कि डॉलर का जो भी इम्पैक्ट है उसको सर इसने कोई नेगेट करके। सर सर देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है, कोई भी मार्केट होती है ना, वो चीज़ों का रिएक्शन फौरन ले लेती है। बट जो इकोनॉमी होती है ना, रियल इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी, इसको मैं एग्जांपल ऐसे दूं कि रियल इकोनॉमी इज अ 32 व्हीलर ट्रेलर, ठीक है, जो आपका बहुत बड़ा एक डंपर होता है ना, जिससे आपने देखा होगा जिसमें के वो जा रहे होते हैं, ट्रॉलर में सामान गुड्स जा रहे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, तो उसके उसको जो है ना मूव करने के लिए, उसको घुमाने में ना यू नीड टू हैव बट सो मैनी सो मच एनर्जी, और प्लस आपको जो है ना वो ओवर द नाइट ही मुड़ जाता है, वो कोई छोटी सी गाड़ी नहीं है कि आपने स्टीयरिंग घुमाया और वो मुड़ गया। तो इसी तरह से अगर कोई सी चीज कम हुई है आज, तो भाई आज का आज से लेके 15 दिन तक जो आगे की रीडिंग होगी उस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा ना, या वहां वो चीजें गिरी होंगी। जो इम्पैक्ट आपको एसबीआई का नंबर जो वीकली आता है, तो वीकली नंबर तो गुजर चुका है, अब गुजरने में अगर आपकी इम्पोर्ट महंगी हुई है तो प्राइस थोड़ी सस्ती होंगी, जो चीज महंगी इम्पोर्ट हुई है उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, अब जो अगली इम्पोर्ट सस्ती होगी उसकी प्राइस सस्ती होगी, तो वो इम्पैक्ट आपको लैग से आता है। सही है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आगे हम कमिंग मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसपीआई दोबारा नीचे आए। आगे कमिंग मंथ्स में आपको इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर रहेगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल इस नेगेटिव नंबर था, तो बेस इफेक्ट की वजह से आपको नंबर थोड़ा हायर साइड पर मिल सकता है। बट ये जरूर आप उम्मीद रखेंगे जनवरी फरवरी ऑनवर्ड आपको इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आते हुआ दिखेगा, अगर आपकी डॉलर की ट्रेजेक्ट्री इसी तरह से नीचे की तरफ है। सही है। अच्छा ये इंटरेस्ट रेट के हवाले से ही कि जनवरी फरवरी में जाके ये महंगाई भी कम होगी और फिर शायद उसको थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट करें, तो सीमेंट्स के अंदर जाने का टाइम अभी है या जैसे ही वो टाइम नजदीक है जनवरी फरवरी में तब जाना चाहिए, या चूंकि एक हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा एडवांस में रिएक्ट करती है, तो जब जनवरी फरवरी में या मार्च में जाके वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो तो पता लगे तब तक ऑलरेडी ये सीमेंट जो है वो उसको ऑलरेडी एडवांस में अप्रिशिएट कर गए, तो सीमेंट्स में एंट्री करने का सबसे अच्छा टाइम क्या समझते हैं आपके क्या होगा? अच्छा मैंने तय साहब, अगर आप और मैंने और शरीर साहब भाई ने एक पॉडकास्ट किया था, अगर आप वो जाके देख लें तो हमने बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और आपको काफ़ी तक जवाब उससे मिल जाएगा, उसको देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग 1 घंटे की वीडियो है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको शॉर्ट बता सकूँ तो देखें, इस वक्त मार्केट ना पूरी मार्केट सस्ती है, आप डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लग रहा है। आप कहते हैं यार मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जिसको जो है पहले भी 2008 से लेके 2017 तक लोगों ने सीमेंट में 700-800 टाइम पैसे बनाए थे, तो यार मैं इस दफा प्रीएम्प्ट करके बैठ जाता हूँ, 6 महीने 8 महीने क्या फर्क पड़ता है, मैं बैठ जाता हूँ, इंटरेस्ट नीचे आ रहूंगे और मेरी चीजें बेहतर चलती चले जाएंगी, क्योंकि इस वक्त बाजार में सीमेंट भी सस्ता है, बाजार में बैंक भी सस्ते हैं, बाजार में एएनपी में जिसमें स्टोरीज पड़ी हुई है वो भी अपनी स्टोरीज की वजह से बहुत सस्ती है, बाजार में आईपीपी भी सस्ती है, बाजार में जो और स्टॉक्स हैं, मतलब कोई भी पूरी मार्केट ही 3.5 के मल्टीपल में ना, अगर दो अगर आप इस 5-6-8 साल का डाटा हटा दें तो आई थिंक 2017 तक बाजार 8.5-9 के एवरेज पी पे चलती थी, इसमें कुछ स्टॉक्स के पी 30, कुछ फार्मा की पी 30 से 40-40 के मल्टीपल पे होते थे, आज वो आपको 5-5 10-10 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, तो बाजार तो बहुत सस्ती है। तो मैं ये कहूँ कि आप आज सीमेंट पकड़ के टाइम कर लें, अभी आपकी कॉल है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार मैंने जो है मतलब हमने आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर दी है कि भाई सीमेंट भी सस्ता है, ऑयल एंड गैस भी सस्ती है, ये भी सस्ते हैं, सभी 2.5-2.5-3-3 के मल्टीपल करें, और जब भी चलेंगे तो ऑब्वियसली उस तरह सीमेंट अपनी हिस्ट्री रिपीट करे और वो दोबारा से कोई आपको 7,000 टाइम और 8,000 टाइम का रिटर्न यहाँ से दे दे, तो यस उस सूरत में तो बिल्कुल आपको सीमेंट में जाना चाहिए। बट उसमें अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ना, कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर 24% तक जो स्टेट बैंक कह रहा है कि जून तक इन्फ्लेशन एवरेज रहेगी, तो इंटरेस्ट रेट ना ना घटे, हो सकता है 1 आध महीने की वैसे वो कहें यार आगे इंटरेस्ट रेट को
क्योंकि इंटरेस्ट रेट से होता क्या है, अगर आप लॉजिक समझे इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं, एक तरीका तो ये है कि डॉलर को और चीजों को महंगाई को इन्फ्लेशन कर दो कि लोगों के खरीद खरीद से दूर हो जाए ना चीज। मतलब एक चीज है आटे का एक बोरी, आटे का एक थैला है वो अवेलेबल है 100 रुपए में, अब उसमें एक थैला है और 10 बायर है, तो वो उस वक्त तक महंगा होता रहेगा जब तक बायर एक रह जाए और सप्लायर भी एक रह जाए। इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसी को प्राइस हाइक कहते हैं, इसी वजह से इन्फ्लेशन आती है। द सेम स्टोरी गोज विद इंटरेस्ट रेट। जो इकोनॉमिक्स कहती है वो कहती है कि भाई अगर आपको जो है लगता है कि एक बंदा जो है अगर आप इन्फ्लेशन आप इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो सस्ता पैसा उठा के उस आटे के थैले को की प्राइस को इन्फ्लेट करता रहेगा। मतलब मैं फर्स्ट कर 7% इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाऊं और मैं बोलूं मैं इस आटे के लिए 2,000 रुपए देने को तैयार हूँ, तो उसको भी बेसिकली इकोनॉमिक्स कहती है कि जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही तो आपको इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं करना चाहिए ताकि इकोनॉमी ओवरहीट ना हो जाए, कल को फिर आपकी इंटरेस्ट रेट 11% हो जाए और हर बंदा गाड़ियां और हर बंदा जो है इम्पोर्टेड चीजें इम्पोर्ट करना शुरू कर दे, तो उससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी ओवरहीट होती है, फिर डॉलर का क्राइसिस पैदा होता है और फिर वही चीजें रिपीट होना शुरू होती है। तो इंटरेस्ट रेट पे एक व्यू बन सकता है कि ओबियसली डायरेक्शन ये है कि चीजें पीक होती हुई दिख रही है, लेकिन कब गिरेंगे, गिर जाना चाहिए जनवरी फरवरी में, बट अगर गवर्नमेंट समझती है कि नहीं हमें और थोड़ा सा इसको इकोनॉमी को थोड़ा सा ओवरहीट हुई भी इकोनॉमी को थोड़ा सा बैलेंस करना है तो उसको थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं। आई थिंक तो ये सही है। सब किसी और को फिर एक मौका दे दे, मेरे ख्याल से सुहेल साहब भी काफी जल्दी कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर है मैंने एक सवाल पूछना था सर। सर जी जी आप पूछते कौन सा बात करें, नाम बता दे प्लीज। मलिक आमिर नाम है मेरा। मलिक मलिक साहब एक आई थिंक लाइन बाय लाइन चले सर, सुहेल साहब को एक दफा नंबर दे देते हैं फिर अच्छा आपके पास आते ठीक हैं। है ओके। जी सुहेल साहब पूछिए प्लीज, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे सवाल है, अभी जिस तरह से न्यूज़ आई है लोड कैम के हवाले से LCI की, तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं, मतलब कैसा देखते हैं इसको लोड कैम को? आप जाके इसको नोटिस पढ़िएगा, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि उस दिन की जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो भी 24 रुपए है, उस दिन की 2 हफ्ते की प्राइस है वो भी 23 24 रुपए, और उसकी हाँ बुक वैल्यू भी इसके आसपास है। अब ये डील जो हमने सुनी थी जिस वक्त हुई थी उस वक्त 37 रुपीज की आवाज आई बातें हुई थी, वहां से डॉलर जी भी ऊपर निकल चुका है तो डील तो ऊपर होनी चाहिए। और मतलब जो खबरें आई थी, अब बेसिकली टेंडर ऑफर किस पे आएगा, क्योंकि होता क्या है कि इसका एक रूल है कि बुक वैल्यू उस 6 महीने की वेटेड एवरेज प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में, उस डील के अनाउंसमेंट से 1 दिन की पहले की प्राइस, और जो जिस रेट पे डील हो रही है विच एवर इज हायर, जो भी हायर पे होगी ना इस चारों पांचों में से उस पे जाके टेंडर ऑफर आएगा। तो अब आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि डील 24 रुपए पे होगी तो फिर तो सेंस ही नहीं बनती, फिर तो 24 रुपए में टेंडर आएगा। और हाँ एक चीज जरूर है, तो ये हो सकता है कि अगर डील नीचे की तरफ हो तो हो सकता है कि कोरियन एक लंबा डिविडेंड इसमें अनाउंस करते हैं, 10 रुपए इसमें जगह बनती है, और उसके बाद जो है वो पैसे निकालने के बाद वो डील नीचे की तरफ हो जाए 30 की बजाय 35 की बजाय वो 24 रुपए पे डील हो जाए 10 रुपए पे आउट की आउट के बाद, तो उस सूरत में छोटे शेयर होल्डर को जो है एक फायदा हो सकता है। बट इसके अलावा अभी डील नहीं होगी, 24 पे होगी या 35 पे होगी, उन्होंने एक दफा नोटिस जिस वक्त डील के प्राइस पे निकाला था ब्लूमबर्ग पे भी आया था वो, आप जाके गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा आई एम श्योर, वो तकरीबन 37 रुपीज की प्राइस थी लेकिन उस वक्त डॉलर काफी नीचे था, तो अब तो उसके हिसाब से और प्राइस ऊपर बढ़नी चाहिए। अच्छा इसके अलावा PICT के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं कोई आइडिया नहीं बेसिकली, दोबारा से इसमें अब वॉल्यूम भी आ रहे हैं और नहीं स्टेबल आइडिया भी हो नहीं, गया है, आइडिया नहीं कोई है लोअर लॉक भी नहीं लगा रहा है। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा ओके। अच्छा इसके अलावा मतलब ये जैसे सेटलमेंट रेशो आता है ना, उसको किस तरह से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, मतलब क्या मतलब उसको किस तरह से उसको ये कि हमें पता चलेगा कि यार ये सेटलमेंट रेशियो जो है ये मतलब क्या परसेंटेज के हवाले से किस तरह से मतलब देखिए ये मतलब स्टॉक। देखिए ये आपने जो सवाल पूछा ना, ये बेसिकली ऐसा सवाल है इसका कोई भी जवाब नहीं है। मतलब सेटलमेंट रेशियो हायर आने का मतलब जो लेमेन टर्म में होता है कि भाई आपने इस लेवल पर ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है ना, ज्यादा इन्वेस्टर्स ने माल लिया है बेचा नहीं है। सेटलमेंट रेशियो कम आने का मतलब होता है कि
सेटलमेंट रेशियो कम आने का मतलब है कि लोगों ने माल लिया और उसी वक्त जो है ना 2 रुपए बना के या लॉस पे करके बेच दिया। अब ये कोई इंडिकेशन नहीं है इसकी फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन की। ये इसको लोग अपने शायद बाकी टूल्स में, मतलब हो सकता है शेड्यूल जब अपने टेक्निकल को एनालाइज कर रहे हो उस वक्त उसमें ये भी एक चीज को ऐड करते हो या देखते हो, या उसका कोई वेटेज हो उनके पास, या जो लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें कोई वेटेज हो। बट ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि अगर आज अगर किसी ने माल लेके आज ही बेच दिया तो कल वो दोबारा हाँ लेके खबर आने पे उसकी एक लंबी राइड नहीं ले सकता। मतलब जैसे शर्जील ने अपने स्टार्ट में कहा कि बीपीएल और ओजीडीसी में उनको जो है लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होंगे और उसके पीछे मैंने आपको फंडामेंटल रीजन दे दी। अब उस दिन बीपीएल का रेशियो आया बहुत लो, तो इसका क्या मतलब है कि कल बीपीएल बढ़ नहीं सकता। तो आई थिंक ये एक जिसको जिसको ये हैंडी लगता है, जिसको इसका इसका फायदा माजी में हुआ है या आने वाले दिनों में उसको लगता है इसका फायदा हो सकता है, वो इसको जरूर यूज करे। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी ना पैसे कमाने का कोई स्ट्रेट रूल तो नहीं लिखा हुआ ना कि टेक्निकल फॉलो करके आप पैसे कमा सकते हैं, फंडामेंटल फॉलो करके कमा सकते हैं। आपको जो सूट करता है वो फॉलो करें। अच्छा, फंडामेंटली आप बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटली में अगर हम बात करते हैं, यो अच्छा थॉमसन ले, मैं यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को रोकना चाहूंगा। मैं 12:15 बजे मुझे एक और कमिटमेंट है, तो आई थिंक जितना हम अच्छा क्रिस करते चले जाएंगे वो ज्यादा रहेगा, सबको मौका मिल जाएगा। जी अब चलिए, सवाल मैं बस सवाल ये मुझे लास्ट सवाल लास्ट स, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये टॉमसिल के हवाले से भी न्यूज आई थी कि ये इसके ऊपर यूएई ने कुछ बैन वैन किया है इसके, मतलब वाया सी रूट के ना, तो उसके बाद से इसकी प्राइस जो है, और इसका मतलब है कि इसकी ईपीएस बहुत अच्छी आती रही है, जो इसने लास्ट क्वार्टर में भी इसने बताया, लेकिन ये डिविडेंड अपनी जगह पर ही है, मतलब कि बजाय ये कि इंक्रीज होने के, और मतलब कि वहीं पर ही चल रहा है ये 20-22 रुपए पे इसका वो है, स्टेगनेंट है। दूसरे कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने तो अभी तक मुझे 2 साल से ऊपर हो गए, मतलब मैंने कोई ऐसा स्टॉक नहीं देखा है जो आपने मतलब कि आपने लॉन्ग टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया, और क्योंकि इशू ये आता है कि स्टॉक ऊपर जाता है फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, जैसे ओजीडीसी की मिसाल ले लें, 109 पे गया, पीपीएल की मिसाल ले लें, बहुत सारे स्टॉक हैं जो मैं देखता हूँ कि जो अपनी रैली करते हैं फिर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, बल्कि और ज्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं, हालांकि उनके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब कि इस तरह से, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से विजिलेंट ज्यादा रहना है कि आपने स्टॉक लिया है, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है आप उसको बेच के निकाल आए। चलो मैं आपका ये सवाल है मैं समझ गया, मैं जवाब दे दूं। ठीक, जी, प्लीज। मसला ये है कि आपने ना 2 साल की बात की, 2 सालों में 2 साल में तो बाजार में तेजी हुई नहीं है ना। मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि बहुत सारे जो है ना मसले चलते रहे इकोनॉमिक साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे, तो हमने तो तेजी देखी नहीं है ना। तेजी उस सूरत में होती है कि आप एक लॉन्ग टर्म एक चीज लेते हैं और वो फंडामेंटली जो है चीजों में उसमें वो चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो अर्निंग में रिफ्लेक्ट होती है या डिविडेंड में रिफ्लेक्ट होती है और वो खबर आती है और फिर वो स्टॉक बढ़ता है। अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ पूरी बाजार अपने हिस्टोरिकल 10 साल के हाई, 10 साल के एवरेज पी से बहुत सस्ती है ना। अगर आज 8:30 का पी हो तो बाजार का रेट इस वक्त 80,000 होना चाहिए। 8:30 का पी तो नहीं है, 3:30 का पी है। तो बहुत सारी वजहत है जिसमें इकोनॉमिक भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें बहुत सारी चीजें। अच्छा आपने कहा लॉन्ग टर्म लेने में, अब हिस्ट्री ये कहती है, जो नोन हिस्ट्री अवेलेबल है वो ये कहती है, चाहे आप वॉरेन बफे को ले लें चाहे आप किसी और को ले लें, कि आप जो है अगर किसी स्टॉक पे व्यू बनाकर उसके लिए लंबे अरसे के लिए बेचते हैं बैठते हैं कि यार ये अच्छा, ये भी मैं आपको फिर अगेन कहूंगा, हमने और शरीर जो पॉडकास्ट किया था उसमें सारी बातें कवर है कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें ना। तो आई थिंक उसको आप जाके देखें, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। वो 1 घंटे की वीडियो है और आपको उसमें अच्छी डिटेल में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मकसद ये है कि आप बेसिकली अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं कि यार मैं बहुत श्योर हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना सुई सुई गैस के मसले हल कर देगी और एक दिन जो है पीपीएल में जो है ना जो 45 रुपए की अर्निंग है ना ये में से 20 रुपए कैश आएगा। तो आपने अगर इस व्यू पे स्टिक करके बैठ गए, 2 महीने नहीं चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपकी थ्यू भी सही हो गई, आपका व्यू सही हो गया, तो पीपीएल उसका है, आपको 74 का 150 रुपये हो जाए, तो आप कहेंगे यार ये तो मेरा 50% यहाँ से रिटर्न बन गया। तो पैसे स्टॉक मार्केट में आई थिंक अगर आपका कोई व्यू है या आप किसी व्यू पे स्टिक करते हैं और आप उस पर कोई पोजीशन को बनाते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म बैठते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि जब तक वो चीज वैलिड है, वैलिड से मतलब ये है कि चांसेस है कि यार ये गैस प्राइस बढ़ेंगी, जो ये नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे चल नहीं सकता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बार बार गैस प्राइस की, आप किसी और की एग्जाम्पल ले लें, किसी और सेक्टर की ले लें, या फर्ज करें आप कहते हैं यार फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की प्राइस जो है ना इतने से बढ़नी बढ़नी है, हो नहीं सकता कि डीलर 400 रुपए की जो डंडी मार रहे हैं ना वो जिंदगी में मारता रहे, वो इवेंचुअली कंपनी इसका फायदा उठा लेगी। तो आपका व्यू है वो 2 महीने में मटेरियल आए तो 3 महीने में मटेरियल आए, तो
बट उसके अलावा जो आपको शर्जील भाई फ्लेवर ऐड कर रहे होते हैं या दूसरे लोग शर्जील भाई जो मेहनत कर रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि शर्जील भाई आपको बताते हैं कि ठीक है ये आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो गया, बट आप इसमें ही रहते हुए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो कर सकते हो उसके लिए आपको शर्जील भाई वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं। हाँ शर्जील भाई तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। शर्जील भाई आपसे एक सवाल है मेरा, मतलब अभी कि सोहेल भाई थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझे तो दो तीन और लोग का हाथ चलिए अपने ठीक एड्रेस। ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो मलिक साहब थे कोई जो सवाल रेस करे, तो मलिक सर आमिर थे। सर मैंने पूछना था शॉर्ट टर्म के लिए बैंक इस्लामी में क्या चल रहा है, और इसमें एग्रो फूड को यहाँ जमा करें तो कितने परसेंट बढ़ सकता है? तो यार तो आमिर भाई थोड़ा सा ना ये स्पेसिफिक सवाल हो जाएंगे, आप इसको मतलब अच्छा सवाल आपका मैं बैंगल इस्लामी में जवाब दे सकता हूँ, बट बैंगल इस्लामी की बुक पहले 23 रुपए, बैंगल इस्लामी ने बायबैक कर दी कुछ शेयर्स तो उसकी वजह से उसके पास मार्केट में शेयर्स अवेलेबल नहीं है। बैंगल इस्लामी तकरीबन 7 से 8 रुपए कमा लेगा, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 से 4 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा। एक कंपनी जो 13-14 रुपए में ट्रेड हो रही है उसमें 3-4 रुपए का डिविडेंड अगर मिल जाए तो यील्ड वाइज भी बुरी नहीं है, और 2-3 साल लगेंगे इसको जेएस बैंक में मर्ज होने तक, उस वक्त तक होता है इसका पे आउट रेशियो बेहतर है। यहाँ तक तो बैंक इस्लामी की स्टडी है, कब चलेगा कैसे चलेगा इस पे शर्जील पे आपको गाइड कर देंगे टेक्निकली, मुझे लगता है जल्दी चल जाएगा, बट बाकी आपको बता सकते हैं बाकी फ्रेंड्स इन कंपनी की आप बात करें। होता क्या है कि एग्रो फूड जो है अब ये कब चलेगा जल्दी चलेगा ये भी मेरा ख्याल है, ऐसी चीज है कि अगर हमें और शर्जील को एग्जैक्ट पता हो तो हमेशा यहाँ किसी को व्यू देने की जरूरत ही ना पड़े, बट यस मुझे लगता है अभी शायद थोड़ा सा फूड कंपनीज में उस वक्त इंटरेस्ट ज्यादा आएगा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो रहा होगा, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा होगा तो लोग इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे प्योर ग्रोथ होती है। आज इस वक्त 25-22% के इंटरेस्ट रेट पे लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स में जाएं जहाँ पर ग्रोथ के साथ साथ उनको यील्ड भी लॉक हो, क्योंकि इस वक्त कॉस्ट ऑफ फंड बहुत हाई है ना, अगर मैं बैंक से बोरो करूँ तो मुझे 26% पे पैसा मिलेगा, तो मैं 26-27% वाला पैसा उठाकर एग्रो फूड में क्यों डालूंगा, मतलब ये तो प्योर सट्टा है ना, प्योर स्पेकुलेशन है ना कि मैं 27% पे अपना पैसा जाया कर रहा हूँ ऐसी कंपनी में जिसमें मुझे सिर्फ ग्रोथ मिल रही है। तो जो मेरी अगर अगर इसके इसके मुकाबले में अगर मैं ऐसी कंपनी में जा रहा हूँ जहाँ मुझे ग्रोथ भी मिले जहाँ मुझे यील्ड भी मिले तो ऑब्वियसली मेरा कुछ परसेंटेज तो रिटर्न हो जाए ना, एटलीस्ट जो मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट हो वो तो कम से कम जेब से ना जाए ना। तो इस वक्त हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में एडवाइजेबल नहीं है कि आपको जो है एग्रो फूड में जाना चाहिए, बट अगर कोई इसमें ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज आ रही है या शर्जील भाई कहते हैं कि यार नहीं इसमें कोई ऐसा ब्रेकआउट आने वाला है या हो सकता है तो बिल्कुल जाना चाहिए, पर इन अ ब्रॉडर वे ब्रॉडर पिक्चर आई थिंक ये इस वक्त जो है हायर इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में वो टाइम नहीं है। बट हाँ जनवरी फरवरी इन्फ्लेशन का नंबर ड्रॉप हो हाँ जाए और ये डबल हो जाए तो उस वक्त आप कहेंगे यार मुझे मना कर दिया था, तो हम मना नहीं करें, हम आपको सिर्फ थीम बता रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि टाइम लगा के चले और पहले कुछ और चल जाए। आई थिंक नैयर साहब का थैंक यू सवाल, सर। नैयर साहब का सवाल ले लें। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड मी। ये पुराना मेरा हैंड रेज हुआ, आई डोंट नो हाउ टू रिमूव इट, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग नहीं राइट नहीं नाउ। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा जज़ाकअल्लाह, आपने मैंने आपसे सॉरी वो कुछ बात कह रहे थे शायद, कंप्लीट करके फिर आगे पे जाते हैं। जी, मेरा हो गया हुआ था आंसर, आपने बहुत इन डिटेल और बड़ा ब्रीफिंग, और दैट वाज वेरी मच हाई प्रोफेशनल आंसर, आई रियली अप्रिशिएट दैट, नहीं जज़ाकअल्लाह। सर नहीं सर, हम कोशिश यही करते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए जो है जिनको स्टॉक मार्केट में हमेशा जो है डिसअपॉइंटमेंट मिली है उनके लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं या कुछ ऐसा करें कि उनके लिए ये सफर जो है काफी अच्छा और जो है उनके लिए काफी नए क्या कहना चाहिए अच्छी है उनके लिए खुशगवार चीजें लेकर आए, उनको बताएं कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी पैसे बनाए जा सकते हैं सिर्फ लॉस नहीं होता। तो इसके लिए जो है हम जितना फंडामेंटल साइड पे या शर्जील भाई जितना टेक्निकल साइड पे हेल्प कर सकते हैं हम बिल्कुल मौजूद है हमेशा। इनफैक्ट जो है आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम शजील एंड एज वेल एज विद समीर भाई, और मैंने आपकी बहुत ज्यादा जो है तारीफ सुनी हुई थी समीर भाई से, शजील से। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है मीटिंग, एंड आई एम रियली यानी कि रिग्रेट के मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन की। इट्स वेरी मच यू कैन से एजुकेशनल एंड
रियली अप्रिशिएट दैट एंड ट्राई माय लेवल नहीं, बेस्ट टू जॉइन एवरी जूम हम इसको ये कोशिश कर रहे हैं सर कि आप जैसे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं जिनको आई थिंक सही अपडेट्स नहीं मिल रही है, तो उसमें हम जो है इस चेस सिक्योरिटीज और जो है PSMU जो है इस तरह के अवेयरनेस सेशन लेकर आता रहे। आई थिंक हमारी ये मकसद है कि कुछ शायद इसमें कुछ लोग बाहर से भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो हम सैटरडे को इसलिए रखते हैं, रात को भी ज्यादातर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे रेगुलर फ्यूचर इंशाल्लाह बनाएंगे। और जितना रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से, जितनी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, मेरा भी इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा वक्ता फवक्ता आप लोगों को ज्वाइन करने का। It's really appreciated from my side. Thank you, sir. Thank you. किसी और का सवाल है सर? More than welcome. रिजवान की कहीं और भी मीटिंग है ना? नहीं, आप करें करें कुछ सवाल में प्लीज। नहीं, सवाल तो मेरे तकरीबन हो गए सेटलमेंट रेशियो का। मैंने आपसे पूछा था टॉमसेल के हवाले, हाँ टॉमसेल का रहता था ना जो आपने जवाब नहीं दिया था। जी जी मैं बताता हूँ, टॉमसेल में देखें हो ये रहा है कि टॉमसेल जब अपने जब उन्होंने पहली बार मार्केट में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए थे, उन्होंने बेसिकली ये प्रॉमिस किया था कि हम ऑफेल जो है ना, जो हमारे यहाँ बेसिकली जो है गाय का, पूरी गाय को या पूरे शीप को नहीं खाया जाता, बीइंग अ मुस्लिम हम कुछ पार्ट जो है ना ऑफ द बॉडी को क्या कहते हैं चाहिए उसको जो है ना अलग कर देते हैं, उसको नहीं यूज करते। बट यूरोप में और कुछ चाइनीज में और फार ईस्ट में उसकी बहुत डिमांड है, तो उनका ये था कि हम जो है कुछ ऑफर्स और कुछ जो है और बॉडी के ऐसे खासतौर पर बफेलोस के और कुछ बुल्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फार ईस्ट में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने एक्सपेंशन की थी। उन्होंने बेसिकली जो है उसको प्लान लगाया और मैसिव डिवेल्यूशन के बाद तो खाते खा रिजल्ट नहीं हुए। मेरे ख्याल से इसमें उस बंदे की एक्सपर्टीज, क्योंकि वो आई थिंक 3 नस्लों से ये काम कर रहा है फैसल जो बंदा है, और आई थिंक डेडिकेशन के साथ कर रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक है ना, इसकी जो है ना बेसिकली बीच से फैट फार्मिंग नहीं होती है। आज आपके पास अगर बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए और आपके पास सप्लाई करने के लिए एनिमल ही अवेलेबल ना हो उस क्वालिटी का जो उनकी डिमांड है, तो आपको मसला होता है। जहाँ तक यूएई की बैन की बात है और सऊदी अरब की बैन की बात है, अगर आप SIFC को उठा के मोटिव पढ़े, तो उन्होंने बेसिकली 2030 का एक विजन है सऊदी अरब का टू सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक्स। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा इसमें SIFC में है भी, और जिसमें उन्होंने जो है जो जिन लोगों ने अटेंड किया उनका ये व्यू है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है चोलिस्तान के अंदर फार्मिंग के अंदर, और आई थिंक एनिमल फार्मिंग के अंदर, कैमिकल कैमल कैमल फार्मिंग के अंदर। तो बेसिकली ये मीट मीट प्रोडक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, तो अगर ये कुछ तरह का बैन लगा भी है तो मुझे लगता है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा और आगे चल के चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट यस, अभी तक कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं थे टॉमसियल के और अलशहीर के, क्योंकि जितनी मैसिव डिवेल्यूशन हो चुकी है इनके रिजल्ट बहुत मैसिव आने चाहिए थे। मतलब कोई कोई कोरिलेशन समझ में नहीं आया कि अगर आपकी इतनी मैसिव डिवेल हो गई है तो अब आपके पास क्योंकि कैपिटल भी नहीं ना कोई, आपके पास कोई सिंपल आपने एनिमल को रखना है, उसको जो है स्लॉटर करना है और उसको चार पीसेस में करके उसको शिप करना है, तो आपका बेसिकली कोई ये तो नहीं ना कि खैर रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेशन की बहुत मेजर कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, बट वैसे तो कोई जो है आपका जो है एज सच कोई चीज नहीं है कि जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं यार बहुत कोई मसला हो रहा है, बहुत कोई ऐसा मसला हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको कैपिटल इंसेंटिव काम है और आप जो है ना उसको ट्रांसलेट ना कर पाए और आप उसकी वजह से अपने मार्जिन्स को और अपनी अर्निंग्स को बेहतर ना कर पाए। अच्छा, कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट होती है ना, उनकी उनकी अर्निंग उस वक्त ज्यादा होती है कि जब डॉलर जो है ना वो अप्रिशिएट किया हुआ, am I right? है ना, तो अभी जिस तरह से डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो इनकी अर्निंग इम्पैक्ट होगी लाइक टॉमसेल वगैरह की, और जिस तरह से अभी ये इसका आंसर आप एक सिंपल अपना कैलकुलेटर उठा लें और उसमें 307 रुपए का डॉलर था वो इस 292 का हो गया है, मेरे ख्याल से 2 या 2.5% की जो है ना अप्रिसिएशन है अगेंस्ट अगेंस्ट डॉलर। अभी अभी भी कह रहे हैं ना कि 250 और 255 तक लेकर आएंगे, जाहिर है कि अगर गवर्नर ये इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका अगर 100% नहीं भी होता है तो अगर 70% भी होता है तो ये I guess गवर्नर ने ना तो कभी कोई रेट की स्टेटमेंट दी, आप जाके देखिएगा गवर्नर कभी भी जो आपको डॉलर का रेट कभी नहीं देगा, आप जाके देख स्टेटमेंट देखिए। वो तो ये तो एक पॉलिटिकली मतलब एक स्टेटमेंट आता है ना जिस तरह से आई थिंक ये काम फाइनेंस मिनिस्टर दे सकता है, बट कभी भी स्टेट बैंक गवर्नर आपको डॉलर का रेट और डॉलर की चीजें नहीं बताएगा। स्टेट बैंक की गवर्नर की बात नहीं कर रहा मैं इसके सिंध गवर्नमेंट के गवर्नर की बात कर रहा हूँ।
यार अब पता नहीं, आई थिंक ये इसकी सिग्निफिकेंट कितनी होगी, क्योंकि मैंने बेसिकली आपके पास डॉलर अभी भी नहीं है ना, और आप अभी भी ब्लीड कर रहे हैं, तो उन हालात में आप ग्राउंड रियलिटी में बिलीव कर लें यार। चले मान लेते हैं 250 हो जाएगा डॉलर में, 250 रुपए के डॉलर में भी ना, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 20-30% का जंप है। तो 30% तो अर्निंग ग्रोथ इंक्रीज होनी नहीं चाहिए होता। ना, तो हाँ 30% तो अर्निंग ग्रोथ आपको आनी चाहिए ना। मान लें कि 100% की ग्रोथ नहीं आ रही है, क्योंकि 100% का जंप आ गया ना अब तक, तो अगर 30% की ग्रोथ नहीं दिखा रही तो इसका मतलब है कोई मसला उस कंपनी में। अच्छा रिजवान भाई, आपने अच्छा कहा कि डॉलर हमारे पास नहीं है। अगर डॉलर हमारे पास नहीं है तो फिर ऑटो सेक्टर जो है इसमें क्यों इतना मतलब इंक्रीज आ रहा है? मतलब वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में तो नहीं, लेकिन बहरहाल जो करंट सिनेरियो है उसके मुकाबले में, जैसे PSMC जो है वो below 100 हो गया था, अब ये के 117 118 के करीब है, इस तरह उसकी दो से वजह उसकी HR। दो उसकी दो वजह उसकी दो वजह इसकी एक वजह ये है कि आपके पास जो है ना इस वक्त जो है ना गाड़ी होती है, कुछ लोग ज्यादातर गाड़ियां लेते हैं फाइनेंसिंग पे और जो लोअर इंटरेस्ट रेट पर। दूसरा ये होता है कि गाड़ी की ना प्राइस भी देखनी पड़ती है। 1 करोड़ रुपए की सिविक लेना हर एक के बस की बात नहीं, तो आने वाले दिनों में ये नंबर काफी हद तक स्लो रहेगा। तो आई थिंक ऑटोज के अंदर पिकअप हमेशा तब हमेशा चीजें उसको पिकअप करेंगी जब इकोनॉमी 2 साल चल 3 साल चल चुकी होगी, जब आपकी और मेरी सबकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी होगी, तभी हम जाके ना 1 करोड़ रुपए की सेवा क्लियर होंगे। बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा शायद PSMC में वॉल्यूम्स बेहतर हो जाए। हमने एक रिपोर्ट भी निकाली थी चेस की तरफ से कि आने वाले दिनों में अगर थोड़े भी हालात बेहतर होते हैं तो सबसे जो स्लोअर सेगमेंट है ऑटो 31 लाख रुपए की जो है उसमें आपको नंबर्स पिकअप होते हुए देखें, बट शायद ही बाकी ऑटोज में ये चीज रिफ्लेक्ट ना हो इतने आराम से इतनी जल्दी। अच्छा ये जिस तरह से दीवान फारूक के लिए इसको आई बहुत सारे थिंक लोग कहते हैं कि सुहेल साहब दीवान साहब का टॉपिक नहीं, मुश्तबा पे चले जाते हैं। आई थिंक मुझे भी एक जगह चलो जाना ठीक है। है। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसी का पूछ रहा था, ILP वगैरह का। एक तो मैं ILP का पूछ रहा था, जैसे इसका कैश फ्लो काफी नेगेटिव रह रहा होता है ना, प्रॉफिट से इसके आ रहे होते हैं तो, लेकिन इसका कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव में जा रहा होता है। इसी तरह मैंने टॉमसल का इतना नहीं देखा तो, लेकिन टॉमसल का भी आई थिंक यही हिसाब किताब होना। तो ये क्या वजह है इसकी, ILP का जो नेगेटिव कैश फ्लो है इसकी क्या वजह है, कि इसके अंदर एक्सपेंडेशन में होते हैं या फिर एक्सपेंड कर रहे होते हैं, या इनको इनकी पेमेंट्स ही रिसीव नहीं होती? अब जैसे AVN का भी यही इशू है। आई थिंक होता ही है कि आप बेसिकली जो इनके मार्जिन देखा करें क्वार्टर इन क्वार्टर और इनके ऑर्डर इन हैंड देखा करें, तो आई थिंक ये दो नंबर आप देखेंगे तो आपको पिक्चर पता चल जाएगी कि ऑर्डर इन हैंड कितने और आपके कैश कैश फ्लो किसी कंपनी के नेगेटिव होना कोई नेगेटिव बात नहीं होती है। समटाइम जो है ना वो एक्सपेंशन के मोड में होती है, समटाइम वो उसका ऑर्डर इन हैंड की वजह से ये वर्किंग कैपिटल में फंसा होता है। तो आप ये देखेंगे ग्रॉस मार्जिन के इंटरलूप के ग्रॉस मार्जिन 39% है, फिनोमिनली काम कर रहे हैं, 8% मार्केट शेयर है पूरी दुनिया में स्टॉक्स का, और आने वाले दिनों में इतनी डीवेल हो गई है आई एम श्योर आपको 17-18 रुपए की अर्निंग भी इसकी दिख जाएगी। अब ऐसी बात है टेक्सटाइल में हमारी हिस्ट्री रही कि ना वो पेमेंट करते हैं ना ही वो कोई चीज अपनी ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं। यहाँ से दुबई या कहीं उन्होंने बाहर की कंपनी बनाई होती है, वहां जाके एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से फिर आगे डिफरेंट रेट पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा वो एक इशू है जिसकी वजह से लोग उसको जो है ना टेक्सटाइल में अपना एक्सपोजर लेना लेने में डरते हैं, बट इंटरलू रिलेटिवली बेहतर कंपनी है, ग्रुप बेहतर है, तो शायद आपको इसमें ये चीज थोड़ी और टेक्सटाइलों से मुश्किल बेहतर लगे या दूसरा डिफरेंट मैं लगे। जैसे AVN का भी बात कर रहा था, कि AVN भी एक्सपेंड फेज में है या फिर उसके क्यों नेगेटिव है? उसका वैसे मैंने सुना है कैश फ्लो, उसकी तो पेमेंट्स ही रिसीव नहीं होती है। आई थिंक पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो फिर कैसे अर्निंग आती है, बट AVN का मसला ये होता है कि उनका बेसिकली ऑर्डर बेस बुक है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि आप से ऑर्डर लेते हैं कि जी मैंने आपकी फैक्ट्री को ऑटोमेट करना है, तो उस ऑटोमेशन के प्रोसेस में वो जो आपसे ऑर्डर लेते हैं जब वो ऑर्डर हो जाता है डिलीवर हो जाती है उसमें आप कस्टमर ओके हो जाता है, तो जिस क्वार्टर में वो पैसे रिसीव होते हैं फिर प्रॉफिट भी उसी क्वार्टर में बुक होता है। फर्ज करें मैंने जून तक आपको प्रोजेक्ट करना था, मेरा किसी वजह से प्रोजेक्ट चला गया अगले क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में प्रॉफिट रिसीव होता है। तो इनकी भी ऑर्डर बुक देखनी चाहिए कि ऑर्डर बुक क्या है, अगर साल के 1.5 साल की ऑर्डर बुक भरी हुई है तो फिर आपको उस हिसाब से अर्निंग्स में एक आध क्वार्टर का लैग हो सकता है बट अर्निंग यूटिलाइज हो जाती है। अच्छा मैं बेसिकली एक ब्रोकर के हेड ऑफ रिसर्च और वो डायरेक्टर उनसे बात कर रहा था, लेकिन वो जरा ऑपोजिट बता रहे थे इस मामले में, कि जैसे वो AVN का बता रहे थे कि जो आपके प्रॉफिट शो होते हैं ना, वो आपके ऑन द सेल बेसिस होते हैं, वो प्रॉफिट रिसीविंग बेसिस पे नहीं आपके शो हो रहे होते। कोई कंपनी का मेथड होता है, मैंने बेसिकली आपको ब्रॉडरली बताया, हो सकता है उस कंपनी के फाइनेंशियल स्कोर्स के आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया हो कि जैसे ही वो सेल नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरह की जितनी भी कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड चलती हैं वो जब प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं सिस्टम है, सिस्टम में बेसिकली आपने जब प्रोजेक्ट हैंडओवर किया उस दिन आपने सेल बुक कर दी। इसी तरह से AVN भी जैसे प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है सेल कर लेती है, पर वो पैसे 3 महीने बाद आए। उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपका प्लांट जो आपने काम कर लिया उसको 3 महीने बाद जाके ना आपको देख के फिर पेमेंट करेंगे, पेमेंट 3 महीने बाद आई। 3 महीने बाद जो आपकी अदर इनकम का गेन है या अदर इनकम का लॉस है वो फिर आ रहा है। डॉलर तो तब आए ना,
अच्छा, तो बेसिकली ये मेथड क्या होगा पता करने के लिए कि कौन सी कंपनी किस तरह से हिसाब किताब अपना चला रही है? जो क्या कंपनी वो देख, जो सेल कंपनी सर्विसेज में है वो बेसिकली सेल्स करेगी, सेल्स करके बुक कर देगी, जब पैसे मिलेंगे उस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में प्रॉफिट को बुक कर लेगी। अच्छा, तो इसको देखने का वो मार्जिन देखने का सही तरीका होगा ना, जो सर्विस बेस्ड है? सर्विस बेस को देखने का तरीका ये होगा कि आप बेसिकली अगर ऑर्डर ऑर्डर बुक अपनी वो शो कर रही है हर क्वार्टर में, तो ऑर्डर बुक क्या और उसकी उस अगले क्वार्टर में कितने ऑर्डर उसमें से कंप्लीट हो गए, वो एक तरीका है। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर उसकी हिस्ट्री देख लें कि हिस्ट्री में अच्छे बुरे हालात में क्या ग्रोथ रही है, उसको आप प्रॉक्सी यूज करके वो उससे अर्निंग निकाल लें। सही, ये तो एक सर्विस बेस्ड हो गया, और दूसरा जो प्रोडक्ट बेस्ड होगा उसका क्या हिसाब किताब होगा? कौन से प्रोडक्ट बेस, मतलब ये टेक्सटाइल वगैरह या मीट वगैरह, ये जो प्रोडक्ट टेक्सटाइल बेस्ड वगैरह होगा अपना सब? डाटा नहीं देते, टेक्सटाइल वाले डाटा नहीं देते। सीमेंट है ना, सीमेंट के डाटा हर महीने आता है सेल्स का, वो नंबर हम जो है ना क्वार्टरली क्वार्टर में डाल के और उससे मार्जिन देख के रिटेंशन प्राइस माइनस करके अर्निंग निकाल लेते हैं। फर्टिलाइजर अच्छा, वाले हर महीने बेस देते हैं, हर महीने उसका निकल जाता है। ऑटोज वाले देते हैं, उससे उनका निकल आता है। इस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले देते हैं, उनका निकल आता है। एक्सप्लोरेशन वाले देते हैं, उनका निकल आता है। बट जो नहीं देता उसका डेटा नहीं, उसके लिए आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं या पास हिस्ट्री यूज कर सकते अच्छा बेसिकली टेक्सटाइल हैं। थोड़ा शेडी है, तो इससे इस मामले के अंदर थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए ना फिर। मैं अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है अच्छा ठीक है, जो मैं हाँ नहीं दे ये तो मेरी सकता। इतनी डिसीजन है, सही हो गया। हाँ, ओके 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 थैंक यू, बहुत डीजी कैसे बहुत बहुत जैसे शुक्रिया। उस सीमेंट के अभी इसकी एक्सपोर्ट करेगा यूएस को, बल्कि की भी थी इसने एक दो कंसाइनमेंट, तो क्या बेसिकली अभी भी ये कंटिन्यू है? एक्सपोर्ट में मार्जिन नहीं है, मार्जिन लोकल में। तो आपका साउथ में ना डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो जो भी कंपनीज है जो एक्सिस के पैसे दिए थे वो एक्सपोर्ट कर लेती, कैश आ जाता है ना। मेरे पास माल रखा हुआ है, मैंने बना लिया है, तो उसको मैं अगर ब्रेक इवन में बेचूंगा तो मेरे पास कैश आ जाएगा। इसीलिए डीजी के ठीक, मार्जिन रिलेटिवली कम है, क्योंकि साउथ में उसके जो प्लांट है उसमें डेट ज्यादा है और वो एक्सपोर्ट करके भी ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा। असल मार्जिन सारी गेम है कार्टेल की वजह से सीमेंट में है ही उन प्लेयर्स की जो लोकल में बेच रहे हैं। इसमें मैपल लीफ है, इसमें पाइनियर है, इसमें चिराट है, इसमें कुहाट है, जो नॉर्थ में है। लोकल कोयला उठाते हैं, प्राइस अपनी मर्जी की रखते हैं और कम सेल पे भी ज्यादा नफा बना रहे हैं। अच्छा, जब तक आप ये कि दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें, एक और सवाल है मेरा ये। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे जब रिजल्ट अनाउंस होता है ना, कोई कंपनी अच्छा, अपना अच्छा रिजल्ट शो करती है, लेकिन मैं डिविडेंड, माजरत के साथ ये लास्ट सवाल लेके मैं असल में ठीक है मुझे निकलना है, चलिए हम तो कंटिन्यू ठीक रखेंगे, या हम भी इसको रेप अप कर लेंगे रिजवान साहब के जाने के बाद? नहीं, आप लोग कंटिन्यू करें ना। आई थिंक अगर कोई सवाल होगा तो मैं जो है अगली मीटिंग में जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। हम इस सेशन अच्छा, मेरा मेरा को सवाल है कि जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है ना, जी तो कंपनी के मतलब कि रिजल्ट बहुत अर्निंग बहुत अच्छी दी भी होती है, सारी चीजें होती है, लेकिन अगर कोई डिविडेंड जो एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेकुलेशन होती है ना, तो अगर डिविडेंड नहीं दिया हुआ तो एकदम धड़ाम से वो जो शेयर है ना बिल्कुल अपने बॉटम पे चला जाता है सेम डे में ना, वो जी 7.5 के उसपे। तो उसकी क्या रीजन है? मतलब हमारा एक तो कहते हैं कि दुनिया में हम तो दुनिया में ह्यूमन साइकी ये कहती है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट काम होता है तो आप इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपने एक सीमेंट आपने एक चीज खरीदी है कि आपको लगता है कि एक क्वार्टर में डिपेंड नहीं है बट अगले क्वार्टर में आ सकते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट काम करें, आप उस पर बैठे रहे, फिर आप इसका अगला सवाल, अगला सॉरी क्वेश्चन या अगली इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी चाहिए थी कि हाँ रिजवान भाई 7.5% नीचे करेक्ट होता है, पर 3 हफ्ते के बाद जो है ना ये उसी प्राइस पर आ जाता है। क्योंकि जब लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये क्वार्टर तो बुरा गुजरा है बट अगले क्वार्टर इसमें जो किसी भी वजह से उसमें आपकी प्लांट बंद रहा, मार्जिन गिर गए, कोई और इश्यूज है, लेकिन अगले क्वार्टर में ये चीज रिपीट नहीं होगी तो लोग उसको प्राइस को जैकअप कर लेते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, बट आई थिंक उसमें आप शॉर्ट टर्म देखते हैं, उसमें आप डिसिप्लिन रहने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसमें आप डिसिप्लिन रहने के लिए अपनी जो है ना प्राइस ट्रिगर ट्रिगर होने पे बाय लेते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ये एक इसी वजह से जो लोग काम करते हैं प्योर ट्रेडिंग पे तो उनका स्टाइल यही होता है। इसी वजह से वो जब खबर जिस खबर पे लेते हैं वो नहीं आती तो उसको बेच देते हैं। बट इन द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो उसको इस तरह से देख रहा होता है, और अगर उसमें लगता है कि हाँ अब ये खबर ही नहीं आएगी और कभी भी नहीं आएगी तो फिर उस शेयर को बेचना बिल्कुल बनता है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो किसी जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, ये उसके अपने कैपिटल पे भी डिपेंड करता है ना। लेट सपोज अगर ये कि कोई कंपनी के मतलब कि उसके अगर अर्निंग वो अच्छी दिखा रहा है, लेकिन उसका जो डिविडेंड नहीं दिया है और वहां पे वो स्टॉक नीचे आ जाता है, तो उसको एवरेजिंग भी तो किया जा सकता है ना। लेट सपोज अगर होल्डिंग अगर आपको बेसिकली ये यकीन है कि कंपनी जो है अपनी स्टोरी और जो पिच थी वो सेम थी, तो आप उसको एवरेज करें और उसको जो है
बिल्कुल नहीं, बाकी जहां तक कैपिटल की बात है, परसेंटेज रिटर्न की हमेशा इसीलिए इन्वेस्टमेंट में बात की जाती है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपका परसेंटेज रिटर्न क्या है। और अगर परसेंटेज रिटर्न आपने फर्स्ट करें स्टॉक मार्केट में, कभी आपने ये सुना है कि मैंने जो है, मतलब कोई भी गेज करने वाला हो या कोई भी म्यूचुअल फंड वाला, ये तो नहीं कहता ना आपको कि आपने 100 रुपए डाले थे, मैं आपको ट्रेडिंग करके 110 रुपए कहते, वो कहते हैं जी हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट होराइजन में साल का रिटर्न इन परसेंटेज में 25% है, 22% है, 23% है। परसेंटेज में, परसेंटेज से ये चीज खत्म हो जाती है कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं या मैं 1,000 रुपए लगा रहा हूँ, पर परसेंटेज तो दोनों की सेम है ना। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कम पैसे और आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आपका एब्सोल्यूट नंबर हम दोनों का वेरी करेगा, पर परसेंटेज तो सेम रहेगी। ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू आई गेस मुझे इजाजत दें आप लोग, बस जी। मेरी कमिटमेंट थी वरना मैं जरूर आपके साथ बैठता हूँ। जजाकअल्लाह, थैंक यू। थैंक यू ओके जी, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जीले, एक एक वो एक मैसेज आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि